विपक्ष ने सुक्खू सरकार के फैसलों पर हमला बोला है। विधायक निधि की राशि जारी न करने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे जनता के हित में अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन इसे रोकना विकास को रोकना है। कांग्रेस ने जनता को गारंटियां देकर गुमराह करने का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर कर्ज को लेकर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि बीजेपी सरकार में जो हिमाचल शिखर की ओर बढ़ रहा था, उसे अब कांग्रेस सरकार श्रीलंका बनाने की बात कह रही है। विधायक निधि की राशि जारी न करना जनता के कामों पर प्रहार है। कांग्रेस ने बिना सोचे समझे गारंटियां दी है, उससे प्रदेश पर हजारों करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। सरकार की वित्तीय देनदारियों को कर्ज नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस सरकार कर्ज को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पूर्व में बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो 50,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस की देन थी। अब दोबारा सत्ता में आने पर कांग्रेस छल कपट की राजनीति कर रही है। संस्थानों को बंद करके पैसा बचाने की बात कहकर लोगों के हित में लिए फैसले बदलने गलत है। सीमेंट फैक्ट्रियां लंबे समय से बंद है, लेकिन सरकार इसे खोलने में असफल रही है। लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। सरकार को इसमें जल्दी पहल कर खुलवाना चाहिए।